दबी तुझा शानदार सा मैच होते हुए चाचू 11 वर्सेस यंगस्टर 11 स्टीवन जी बैटिंग करते हुए एक शॉट मारते हुए शानदार से फील्डिंग शानदार सा थ्रो पर रनिंग उनको पता नहीं मेंबर पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे बैठो पीछे अंदर आ जाओ अंदर बैठो हटो मत क्लाइमेट टीम से बात हुआ का साथ देते हुए सईद अंसारी बहुत ही शानदार सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उन्होंने यहाँ पे अंधेरी अम्बोली में मतलब दो दो शानदार सा शॉट महेंद्र द्वारा अंडर प्रेशर खेल रहे फिर भी कौन बॉल जीता है कैमरा मैन यहाँ फोकस करो जल्दी वहां से हटो शानदार सा मैच होते हुए यहाँ पे पायरे जी उतरते स्ट्राइक बढ़ाते हुए वाइड पे 4 रन है पायरे जी का डर ही देख सकता है ये सब मैच नहीं छोड़े पायरे जी ने बैट पकड़ के रखे अभी भी पहले मैं बोलना चाहता हूँ मैं जे माइट लाइक चैरिटेबल संस्था का अध्यक्ष शुरू कर रहा हूँ आज जो 3 मार्च मेरा जो शादी की सालगिरह है उस पर ये जो टूर्नामेंट रखा गया है सबसे बड़ा योगदान यहाँ का अल्लू लाला और कुमार कुराड़े जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को किया है और ये जो बच्चों का जो टीम है खेल के आगे बढ़े मैं तो सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जनता को कि हमेशा एक्टिविटी को महत्व देते रहे समाज में आगे बढ़े नाम करें और बच्चों का स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान लगाए ताकि हमारे इंडिया की टीम को एक नया हुनर मिले सर आज कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में सुबह से क्रिकेट चालू है यहाँ पे आज लगभग 36 to 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है 46 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और ये टीम ने बहुत अच्छा खेला जो हारे वो भी जीत के काबिल थे और उन्होंने हारने के बाद भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ और मैं भी आके मैंने भी बहुत अच्छी तरह देखा कि यहाँ बहुत टफ बच्चे हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर है बहुत अच्छा लग रहा है सर जो आपका ये ट्रस्ट है उसके बारे में बताइए किस तरह का आपका सफ़र रहा और किस तरह से आपने स्टार्ट किया इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब मेरे साथ कई लोग थे अब धीरे धीरे वो लोग कम होने लगे और बोलते कि सफ़र है आएंगे लोग जाएंगे कोई बात नहीं इसमें लोगों को भला करना कम और कमाने का सूत्र ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर हमने इस पे मोहर लगाया और कहा कि ये लोगों के भला के लिए चैरिटी करने के लिए बनाया गया है लोगों का भला करेंगे इसमें बच्चों को एक हुनर ढूंढेंगे गरीबों की शादी कराना मेडिक्लेम कराना बच्चों को पढ़ाना ये स्पोर्ट्स पे ध्यान देना कोई अनाथ बच्चा हो गया उसकी सेवा करना कोई बुढ़ी बुढ़े औरत ये सब काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो सर क्या गवर्नमेंट से भी कुछ सपोर्ट आता है कुछ हेल्प कुछ भी नहीं मैंने ज़रूरत नहीं पड़ा मेरी टीम इतनी बड़ी है कि मुझे हमेशा मेरे अपनों से सहारा मिला है हमारे टीम के साथ सहारा मिला है जो मलाड मालवानी क्षेत्र में मेरा ऑफिस है वहाँ से वहाँ के लोगों का मुझे सहारा मिला यहाँ अंधेरी के लोगों का मुझे सहारा मिला तो ये संस्था को आगे बढ़ाने के लिए मेरे अपने फैमिली और मेरे बाहर के फ्रेंड्स सपोर्टर्स हैं और सरकार ने कभी हमारे संस्था पे ध्यान नहीं दिया पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ को लेके हम भी कभी जाते नहीं है सरकार के पास कि हमें ये मदद कीजिए क्योंकि हम सोचते हैं कि उनको तकलीफ़ देने से अच्छा हम ये तकलीफ़ को सॉल्व करें जो जनता क्रिकेट टूर्नामेंट है सर उसको आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक लेके जाएंगे क्या स्टेट लेवल नेशनल लेवल का कुछ प्लान है ये जनता क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले दिन में या अगले साल या उसके अगले साल तक मेरा मानना है कि मैं इसको इतने हाई लेवल पे लेके चला जाऊँगा कि इसका प्राइसिंग लेवल ही इतना बिग होगा कि अच्छे अच्छे इलाके से बोलते ना स्लम एरिया से लोग आएंगे खेलने के लिए जो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है वो वैसे तरीके के टीम आएंगे और उन हर टीमों से एक अच्छा प्लेयर को सिलेक्ट करके एक बेहतरीन टीम इंडिया के लिए बनाया जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में हमारे यहाँ के बच्चे जो मैं जनता क्रिकेट टूर्नामेंट से सिलेक्ट करूँगा वो बच्चों को सिलेक्ट किया जाए स्पोर्ट्स क्लब द्वारा देखिए पहली बात तो सोहित दादा गारिया जी जिनका ट्रस्ट है जय माँ इटाइली चैरिटेबल ट्रस्ट
उसके थ्रू यहाँ पे जो टीम जनता बॉयज अन्नू लाला और कुमार कुराडे भाई, ये पिछले साल भी रखे, कई सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ये जय माँ इटाली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि उनको हिम्मत अफजाई, जो बच्चे कुछ करते हैं वो क्रिकेट खेले और कुछ अपने स्टेट लेवल में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ट्रस्ट उनको मदद करेगी। तो हमारे जितने भी है अंधेरी पश्चिम, ये जो विधानसभा है, ये खास मालूनी मलाड़ के अंदर ये बहुत अच्छी शख्सियत है और ये सेवा कर रहे हैं ट्रस्ट के नाम पे, लोगों को हर एक जो भी मदद है वो ट्रस्ट के हिसाब से वो कर रहे हैं। मैं सर की एक बात काटूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि इस ट्रस्ट से सरकार बहुत से हेल्प करती है, करोड़ों रुपये आता है फंड, वो लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने जेब से कितना करेंगे। आज सरकार से फंड आता है, वो फंड से हम लोग कई काम स्कीम कर सकते हैं। और अंधेरी पश्चिम इलाके की जितनी भी बहनें हमारे बेटे सब लोग यहाँ पर जो युवा बैठे हैं, ये सब लास्ट ईयर भी इन लोगों ने जो प्रोग्राम है, हजारों की तादाद में लोग हैं, सुबह से लोग यहाँ पर आ ही रहे जा रहे, इतना अरेंजमेंट करना है कोई मामूली बात नहीं। तो मैं सबसे पहले अन्नू लाला और कुमार कुराडे भाई को बधाई देता हूँ, और आए हुए हमारे सोहित दादा ग्रेया जी, इनकी वाइफ, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उनके आज जो सालगिरह पे प्रोग्राम रखा गया है, तो सबसे पहले उनको हम अभिनंदन, उनको मुबारकबाद देते हैं और सभी को मुबारकबाद देते हैं, और अंधेरी पश्चिम के जितने लोग उनको मुबारक देते हैं और मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग ये कवरेज कर रहे हैं सब लोग। मेरा कहने का मतलब यही है, ये जो बच्चे नशा करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उससे बेहतर ऐसे प्रोग्राम रख के बच्चों को यहाँ पे प्रोग्राम कराना चाहिए, क्रिकेट खिलाना चाहिए। तो उसके लिए जो सोहित दादा आगे आए उनका धन्यवाद, और आज सालगिरह पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से समाज सेवा करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी इतना जागरूक थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी टूर्नामेंट रखा गया यहाँ पे, टूर्नामेंट मैच जो रखा हुआ है, सोहित दादा की आज सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत खुश नसीबी की बात है जो बच्चे लोग खिला रहे। ये तो आज एरिया एरिया में MD ड्रग्स इतना बिक रहा है, सब बच्चे की कौन, मतलब बच्चे खराब हो रहे हैं वहाँ पर। तो मेरा गवर्नमेंट से ये, पुलिस मतलब कमिश्नर साहब से ये बोलना है कि MD पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कौम नस्ल ख़त्म हो जा रही है, क्रिकेट के लायक भी नहीं रह रही, लेकिन सोहित दादा ने क्रिकेट वाले बच्चों को अच्छा पकड़ के रखा है, इनको खेलना है, यहाँ पर ग्राउंड देख लीजिए आप, एकदम गचागच भरा हुआ है। तो मेरा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब MD पे जो यहाँ पर ड्रग्स बिक रहे डोंगर जू गली पे, उस पर आप ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है, जय माइट लाइट ट्रस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय माता दी। सर के क्या बोलते हैं, सालगिरह पे इतना बहुत कार्यक्रम किया गया, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? और दीदी की शादी की सालगिरह पे ये मैच रखा गया है। मैच हर साल होता है, ये छठा सीजन है, हर साल ऐसे ही लोगों को मान सम्मान करते हैं हम ट्रस्ट के माध्यम से, लोगों का मतलब बढ़ाते भी हम कि लोग वही देख के दादा का एक्टिविटी देख के सर का हम लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए अनाज बांटना, शॉल बांटना, धार्मिक चीज़ में भी काम करते रहते हैं, और हर साल आगे भी और मतलब करते रहेंगे, सब मिलके ट्रस्ट को और दादा को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इस तक जागीदार है हमेशा प्रोग्राम में आते हैं, ऐसे लोगों को बुला के मान सम्मान हम लोग करते हैं। सर आने वाले समय में क्या बस क्रिकेट को ही सपोर्ट